नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी के बाद किसान अपनी धान को ज़्यादा मात्रा में मंडी में ले आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि साफ सुथरी धान होने के कारण उन्हें ज़्यादा रेट मिलेंगे, पर हुआ उल्टा। आज धान के रेट में 50 रुपये से ज़्यादा का मंदा था। किसान मायूस बैठे थे और खरीदने वाले नखरे दिखा रहे थे। 1509 धान 2150 से 3375 रुपये क्विंटल तक बिकी। मौसम की मार व काले तेले की मार के कारण 15 से 30% धान कम निकल रही है। ऊपर से रेट में मंदा होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। देखिए, धान उत्तर भारत की एक प्रमुख फसल है, तो जिसकी कटाई निरंतर चल रही है इस समय, और किसान भरपूर मात्रा में धान की फसल लेकर करनाल मंडी और सभी अन्य सभी मंडियों में आ रहे हैं। लेकिन सरकारी बोली न होने के कारण किसान का पूर्ण रूप से शोषण हो रहा है। किसान का जो धान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा धान की जो कीमत है वो 750 फाइन के लिए रखी गई और 1780 रुपये सुपर फाइन वरायटी के लिए रखी गई। धान की वरायटी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने TR-126 विकसित की, जो 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और किसान का दुर्भाग्य है वो वह फसल पक के तैयार हो गई है और जो व्यापारी लोग हैं और जो अड़तली लोग हैं उनकी मिली हुई मिली भगत से किसान का जो धान है TR-126 वो सिर्फ 1500-1550 के बीच में बिक रहा है, यानी क्वांटिटी पीछे 250-300 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका मुख्य कारण यह है कि किसान जो सरकार है उसकी बोली कम आ रही अभी आई नहीं है। जो सूत्र प्राप्त हुए हैं उनसे ये प्राप्त हुआ है कि जो धान की बोली है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि अब पानी बचाने के लिए काफ़ी सारी कम टाइम की वरायटियाँ उपलब्ध हैं मार्केट में, तो किसान उसी को लगाना चाहता है भी, जिससे हमारी बीमारी से प्रकोप से भी बच रहे और हमें पानी की मात्रा भी कम लागत लगानी पड़े। इसलिए PR-26 विकसित की, जो 90 दिन में पक के तैयार होती है, 1509-90 दिन में पक के तैयार होती है, तो धान की जो बोली है वो कम से कम 15 सितंबर के या 20 सितंबर के आसपास आनी चाहिए, ताकि जो किसान है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण समर्थन मूल्य मिल सके और उसकी आर्थिक सहायता हो सके और उसके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो सके। क्या नाम हमारा मानना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरबाज सिंह, गांव डबरी करनाल।